योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर से सावधान रहे, ये जो दोनों गुजराती भाई इनसे सावधान रहे हैं, क्योंकि ये दोनों निपटाने पर लगे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो निश्चित सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आगे पीछे घूमते रहेंगे तो निश्चित तौर से खत्म कर देंगे। इंडिया गठबंधन की वेव चल रही है, निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी। पूरे बनारस में कैमरा ऑन करके आप देखिएगा, होर्डिंग किसकी लगी है? किसी और भी कैंडिडेट की होर्डिंग लगी है? किसी और का प्रचार हो रहा है? क्यों? यही एक है कैंडिडेट, हम लोग नहीं है। बनारस के किस तरीके का माहौल लोगों में आप देख रहे हैं 2024 के अंदर? देखिए ऐसा है, मैं बनारस काशीवासी हूँ, बनारस में बैठा नहीं हूँ, मेरा घर है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ, इसी माँ गंगा की गोद का हूँ, बनावटी पुत्र नहीं हूँ। 2024 में निश्चित तौर से जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, एक भी वादे पूरे नहीं हुए, सारे वादे जस के तस रखे हैं। इस नाते पूरे की पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहाँ से हम लोग बैरंग भेज देंगे। लेकिन मुझे विजित है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, खासतौर पर अमित शाह। देखिए अमित शाह तो खासतौर से इसलिए बोलेंगे कि भाई अमित शाह और मोदी में कोई अंतर नहीं है। अभी तो मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हटने वाले हैं आगे 27 में, इनको शायद 25 या 27 में शायद ऐसे कुछ बोला, एक साल बाद ना कुछ ऐसा बोला है कि शायद अमित शाह बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, 29 में भी रहेंगे, 29 के बाद भी बनेंगे। अरे भाई 75 साल आपने तय किया, तो जो 75 साल मोदी जी ने तय किया तो 75 साल के बाद ये बनेंगे, बाकी लोगों का क्या हुआ? आपने अडवाणी जी को निपटा दिया, आपने जोशी जी को निपटा दिया, जितने वरिष्ठ नेता गण थे भाजपा के, 3 धरोहर उसमें से निपटा दिया आपने, अभी आपने शिवराज सिंह चौहान को निपटाया, वसुंधरा राजे को निपटाया, सब लोग का। तो क्या मोदी जी 75 साल से ज़्यादा सीएम पीएम रहेंगे? तो ये अमित शाह ने ये भी कहा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, पूरी तरीके से इनकी जो है बौखलाहट हो गई है, बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। और इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, इस बार पूरा इनका का पूरा कुनबा इस बार जनता के दिल से उतर गया है। आप सर बनारस में जीत का दावा कर रहे हैं, आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि बनारस की जनता के बीच में मोदी जी का वो प्रेम नहीं पहुंच पाया या वो विकास नहीं पहुंच पाया, ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए जब जमीन पे काम होता ना तो चीजें दिखाई देती, आप भी बाहर से आए हैं आप देख सकते हैं, जो भी काम हुए हैं इनके वो सारे काम कहाँ हुए हैं? आसमान में। अब ये लेजर शो से दिखा रहे हैं, और लेजर शो से दिखा रहे हैं तो लेजर शो तो जमीन पे काम हुआ है तो फिर लेजर शो दिखाने की क्या जरूरत है भाई? आसमान में क्यों दिखा रहे हो? जमीन पे दिखाओ, जाके गंगा जी का घाट दिखा दो, जरा नाले गिर रहे हैं वो आप दिखा दो। ये सारी चीजें केवल और केवल बनावटी चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं। और जनता के बीच में स्कूल आपने भी नहीं खोला, एक भी कॉलेज नहीं, एक कल कारखाना नहीं है, एक अमूल की फैक्ट्री, वो मेरी लाई हुई 2016 की रजिस्ट्री है, जब यूपी में 3 फैक्ट्री आई थी उस दौरान वो आई है, फतेहपुर, लखनऊ और बनारस, वो जो है कोर्ट के अंदर वो चीज़ें रुकी हुई थी, इस नाते देर हुआ। और निश्चित तौर से आप वो कारखाना हम लोग के समय का, उसमें भी सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, अंदर फैक्ट्री में जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट वो गुजरात के लोग हैं, बाहर जो टेम्परेरी बेस वाले रखे गए हैं रोज दिहाड़ी वाले, वो केवल यहाँ के यूपी और बिहार के लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से 80 सीट चाहिए आपको, वहाँ के लोगों को आपने दिहाड़ी पर रख रखा है, यूपी बिहार वालों को। तो निश्चित तौर से इस बार जनता इसको पूरा हिसाब लेगी। राहुल गांधी ने कल डिबेट के लिए उनको चुनौती दी, कहा कि मेरे साथ डिबेट करनी, आप भी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहेंगे कि आप भी उनको कहें कि बनारस के मुद्दों पर या यहाँ के लोगों के लिए मैं डिबेट करना चाहता हूँ या चुनौती देना चाहते हैं, इस तरीके का कोई आपके जहन में चीज है? देखिए मेरी यहाँ तक जानकारी है कि राहुल जी ने को कहा गया है, राहुल जी ने नहीं कहा किसी से, राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस, एक्स जस्टिस हैं मिस्टर लोकुर, उन्होंने और कोई बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने शायद ये कहा कि मोदी जी और राहुल जी की डिबेट होनी चाहिए, उसके लिए राहुल जी तैयार हो गए कि नहीं मैं तैयार हूँ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, काशीवासी हूँ, काशी के मुद्दे पर बिल्कुल मोदी जी इसमें चाहूँगा कि आवें, और बिल्कुल जो जो उन्होंने वादे किए थे उस वादे पर मैं डिबेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, जहाँ चाहेंगे गंगा जी में बजड़े पर बैठ के, सड़क पर बैठ के, या जहाँ पे इन्होंने मिट्टी पहला फावड़ा चलाया था 80 पे, जहाँ 80 नदी उस नाले के रूप ले लिया, नाला गिर रहा है, वहाँ पर
वहां पर बैठकर अगर करना चाहेंगे तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं डिबेट करने के लिए। कल एक भव्य रोड शो भी करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, नामांकन भी उनका है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे रोड शो को और कल जिस तरीके से काशी बनारस में जो प्रोग्राम? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो बनारस की मिट्टी से जुड़ा होगा, जो अपना परिवार समझेगा, वो रोड शो, द्रोण पे शो कराना, रोड पे शो कराना और हर जगह एक इवेंट करना, अब इवेंट का समय चला गया, गुलाब का फूल बरसाना, कहीं मोर की पंखी का नाच कराना, कहीं घोड़ा वाला नाच कराना, वो समय चला गया। अब उसके घर में रोटी बन रही है कि नहीं, उसके घर में दाल पक रही है कि नहीं, उसके बच्चे की फीस जमा हो रही है कि नहीं, उसके घर में कोई तबीयत किसी की खराब है उसका इलाज हो रहा है कि नहीं, जनता अब मुद्दों पर उठ करने जा रही है। द्रोण शो और रोड शो का अब समय चला गया, गुलाब का पंखड़ी गिराने का समय चला गया। अब गरीबी से जनता परेशान है, अपने रोजमर्रे के खर्चे से परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है कि रोज एग्जाम कराते हैं, 19 यूपी में 19 पेपर लीक हो गए, अभी मेडिकल के पेपर भी लीक हो गए, ये क्या है, ये खोज रहा है नौजवान, ये अब द्रोण शो, रोड शो, गुलाब की पंखुड़ी की वर्षा होगी, ये सब समय खत्म हो गया। आप सर लोगों के बीच में रहो, किस तरीके से आपको लगता है, क्या सर्वे है आपका यूपी के साथ साथ, अगर मैं बात करूं देश में तो कांग्रेस या इंडिया अलायंस कितना सीट? निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया जो अलायंस बना है इसके प्रति पूरे देश के अंदर जन समर्थन है, एक वेव चल रही है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जनता भुखमरी, बेरोजगारी और इनके जुमलों से परेशान है, द्रोण शो, रोड शो, ये सब चीज़ों से परेशान है। इंडिया गठबंधन की वेव चल रही है, निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी, ये हम सब बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, माँ गंगा की, मैया की कृपा से बोल रहे हैं। 4 जून को आप सब बनाने का दावा कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी अपनी कम जितनी उम्र है उससे भी कम सीटें लेकर आए, अब इतने परेशान फिर क्यों है? अगर उतने अगर ये बात कह रहे हैं तो पूरे बनारस में होर्डिंग आप देख लीजिए किसकी लगी है, पूरे बनारस में कैमरा ऑन करके आप देखिएगा होर्डिंग किसकी लगी है, किसी और भी कैंडिडेट की होर्डिंग लगी है, किसी और का प्रचार हो रहा है, क्यों? यही एक है कैंडिडेट, हम लोग नहीं है, काम जब किया तो इतनी होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत है? हर दिल में आप लिखना चाहते हैं, अरे दिल में तो हम लिखे ही हुए हैं, जब हम काम करेंगे तो हम आप अपने आप लोगों के मन में उतर जाएंगे, दिल में उतर जाएंगे, इतनी होर्डिंग लगा रहे हैं, लेजर शो करा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया लगाकर, इतना जो है आप पूरा का कल आप रोड शो करने वाले हैं करोड़ों रुपया खर्चा करके, अरे किसी अनाथालय को दान दे दीजिए, किसी वृद्धाश्रम को दान दे दीजिए, किसी स्कूल को बनवा दीजिए, जो जहाँ बच्चे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके यहाँ दे दीजिए, कोई गरीब बच्चियों की शादी नहीं, आज मदर्स डे है, आज का दिन है, मैं धन्यवाद शुभकामनाएं देता माताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आज मातृ दिवस है, आज ही किसी जाकर मदर्स डे में किसी उसमें मातृश्रम में जाके दान दीजिए, किसी वृद्धाश्रम में दान दे दीजिए, जहाँ माताओं का कहाँ कल्याण हो जाए, क्यों फूल बरसा के खराब कर रहे हैं पैसा, क्यों रोड शो खर्चा करके, द्रोण शो करके पैसा खर्चा कर रहे हैं, किसी गरीब की का भला हो जाएगा, उसके बेचारे की उसकी आंख जो आंसू है वो पुछ जाएंगे। निश्चित तौर से उनकी बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी लोग मजबूत हो रहे हैं, योगी जी, अब उनको लग रहा होगा कि योगी जी मजबूत हो रहे हैं यूपी में, दूसरा टर्म मिल गया, मजबूती से आगे काम कर रहे हैं, वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज सिंह के साथ, वही हाल वसुंधरा राजे के साथ हुआ, वही हाल रमन सिंह के साथ हुआ छत्तीसगढ़ में, तो मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं, उनको निपटाने का काम कर रहे हैं। किसका लिए संदेश? योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर से सावधान रहें, ये जो दोनों गुजराती भाई इनसे सावधान रहें, क्योंकि ये दोनों निपटाने पे लगे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो निश्चित सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आगे पीछे घूमते रहेंगे तो निश्चित तौर से खत्म कर देंगे।